अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून डिफेंस DHA 4 में, जिसका नाम है जैन ओपल। बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है कराची में, स्पेशली वो सिर्फ़ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को डील करते हैं। आप उनके पेज को जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था अपने हेयर का मेकओवर करने के लिए और थोड़ी सी हल्की सी ट्रिमिंग वगैरह कराने के लिए, क्योंकि मेरे बालों के साथ ये इशू चल रहा है कि जब भी मैं कोई कलर कराती हूँ ना, तो एग्जैक्ट वैसा कलर नहीं आता। अंदर से जो बेस कलर होता है वो ऑरेंज निकल आता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने कहा कि बहुत नाम है, बहुत फेमस सैलून है, सेलिब्रिटीज सारे उन्हीं से करवाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके सैलून का लिंक डालती हूँ, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अब पहले मैं उनसे डिस्कस करूँगी अपनी हेयर की सारी कंडीशन, उन्हें बताऊँगी कि ऐसा ऐसा है, अगर आप मेरे बालों के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं जैसा मैं चाह रही हूँ, आप वैसा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज फिर ट्रिम वगैरह करा के मैं आ जाऊंगी। तो अभी मैं और साईं जा रहे हैं और बच्चे घर पर हैं, बच्चे मम्मा ने रखे हुए, तो हम आज कराची की सड़कों पे इस तरीके से खुद से घूम रहे हैं। अभी हमें एग्जैक्ट हम जा रहे हैं, तो एक घंटे की ड्राइव बता रहा है GPS। हम GPS को फॉलो करते करते पहुंच चुके हैं जैन ओपल। आप मुझे मेरे पीछे देख सकते हैं, तो बस अंदर चलते हैं और अपना मसला हल करते हैं। करवाया, क्योंकि जो हेयर एक्सपर्ट थी उन्होंने कहा जैसा आप चाह रही हैं हम आपको वैसा दे तो देंगे, लेकिन वो बालों में एक खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि आपके जो नीचे ऑरेंज कलर आ रहा है उसको हम कितना भी ख़त्म करें मगर वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो वो एक मिक्सअप निकलेगा, तो वो एक अच्छा लुक नहीं आएगा। हम पैसे लेके आपकी सारी चीज़ें कर देंगे बट वो लुक जो आप चाह रही हैं वो नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा पहले आप इसको खुद ही ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ के साथ इसको ब्लैक होने दें, और अभी आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, तो आप जाने से पहले हमारे से कैरेटिन करा लीजिएगा, तो बाल थोड़े से रिकवर हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। तो बस फिर मैंने कटिंग कराई, ब्लो ड्राई करवाया, वॉश कराया और आईब्रोज बनवाई। तो बस अब चलते हैं, साईं वहाँ वेट कर रहे होंगे। तो अभी बस मैं गाड़ी में आके बैठ चुकी हूँ और मुझे बहुत ख़तरनाक किस्म की भूख लगी हुई है। मैं साईं को कह रही हूँ मैं घर जाने तक का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि घर अभी आधे घंटे की दूरी पे है। हम यहीं पे दोनों दोस्त मिलके कुछ खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो ये लोग चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक
काफ़ी नामी गरामी सैलून है चाहते तो 17-18 हज़ार की बहुत अमेजिंग किस्म की डील चल रही है अंदर, बहुत सारे लोग करा रहे थे, मगर उन्होंने कहा मैम फ़ायदा नहीं है, एक महीने के बाद 1.5 महीने के बाद जब नीचे से आपको जो आपके जो नीचे का जो पैच है जो ऑरेंज आ रहा है इस पर आप चाह रही हम ब्लैक कलर कर दें, और बेस कलर कोई भी आपको नहीं चाहिए था, दूसरे कलर का ब्लैक चाहिए था और उस पर आपको ऐश या ब्लॉन्ड किस्म की हाईलाइट्स चाहिए थी तो वो बहुत अच्छा लगता, बट 1-1.5 महीने के बाद जब वो नीचे से ब्लैक कलर उतरता ना तो वो आपकी स्ट्रीक्स और नीचे के बालों में एक ख़तरनाक किस्म की खिचड़ी पक जाती, तो वो फिर अच्छा नहीं है। आप वेट करें जब आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके रूट्स ब्लैक नीचे तक आए तब आप कलर कराएं, इस दौरान आप अपने बालों में किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करें। और जाने से पहले मैंने आपको बताया उन्होंने कहा कि आप कैरेटिन का एक ट्रीटमेंट ले लें तो उससे बाल रिपेयर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो मैं वो ज़रूर लूँगी। और इस तरीके से मैं कहती हूँ सारे सैलून्स को इसी तरीके से गाइड करना चाहिए, पैसे बनाने के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलें, उम्मीदें दिलासे मत दें कि आपका हो जाएगा, एज इट इज़ निकलेगा। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने इनके सैलून में एक बहुत अच्छी बात नोट की, जब ये लोग ब्लीच अप्लाई कर रहे थे स्ट्रीक्स के लिए तो इनकी ब्लीच में भी ख़तरनाक किस्म का ऑरेंज कलर नहीं आ रहा था, बल्कि ऑरेंज कलर आ ही नहीं रहा था। मैंने उन्हें पीछे मुड़ के कहा कि ये इस तरह की मेरे पे हाईलाइट्स चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी तो हमने उस पर कलर अप्लाई नहीं किया है, ये तो ब्लीच का कलर है। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सो खैर इट्स ओके, कटिंग मैंने ले ली बम्बाट किस्म की, ट्रिम वगैरह हो गया, नीचे से डेड बाल चले गए, आईब्रोज बना ली ताकि ब्राइडल शावर के लिए मुझे दोबारा ना निकलना पड़े, मेरा ब्राइडल शावर नहीं है मैं जिनकी शादी में आई हूँ। तो बस ये अल्लाह, अब हम GPS ऑन करते हैं और कोई खाने पीने वाली जगह ढूंढ के खाते हैं और फिर घर चलते हैं। साई पार्टी करने के लिए आए हैं नैंडोज, क्योंकि मुझसे कुछ भी ज़रा सा भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं घर तक पहुंचूं। मैंने कहा मुझे बस कुछ ना कुछ खिला दें, तो रास्ते में KFC, नैंडोज, सिजलर, ये तीन ऑप्शन आए। मैंने कहा नैंडोज ट्राई करते हैं क्योंकि जद्दा में मैंने नैंडोज ट्राई नहीं किया था। तो साई गाड़ी लॉक कर रहे हैं और फिर हम अंदर चलते हैं। नैंडोज जैसी पेरी पेरी बाइट्स मैंने आज तक नहीं खाई, बहुत सी जगहों से हम ऑर्डर करते हैं बट ऐसा टेस्ट किसी का भी नहीं होता। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ हमने एक जगह से ऑर्डर करके खाई थी मगर बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बस नॉर्मल थी। जद्दा में नैंडोज कब से खुला हुआ है लेकिन मेरा अब तक जाना ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। क्या ऑर्डर किया? चिकन तो तुम्हारे लिए लेते हैं, राइस, राइस भी है, राइस तो तुम्हारे लिए कितने उसे मुझे भूख लग रही होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ खा लूँ, सब कुछ एक चीज़ से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे बहुत कुछ ऑर्डर करके दो। और अभी सिर्फ 2 पेरी पेरी बाइट्स खाई है मैंने और मेरा पेट भर गया, और अभी चिकन आ रहा है, राइस आ रहा है, फ्राइज आ रही है। Thank you.
थैंक यू। नैंडोज़ की सिर्फ पेरी पेरी बाइट्स और सॉसेज अच्छी हैं। चिकन और राइस तो जैसे हमारे पास जद्दा में रूज़ बुखारी और शवाया होता है ना, सेम वैसा टेस्ट था। कुछ डिफरेंट नहीं था उनके चिकन में ना राइस में। सिर्फ पेरी बाइट्स और सॉसेस की हाइप है, बाकी चिकन और राइस तो मुझे बिल्कुल हमारे रूज़ बुखारी जैसे दिखे शवाया चिकन। तो बस अब हम यहाँ से GPS पे अपनी लोकेशन डालेंगे और घर जाएंगे। मैंने मम्मा को कॉल की थी कि भाई हम लोग फ्री हो गए हैं और लंच कर रहे हैं, आप लोग कुछ लंच वगैरह मत बनाइएगा, तो बस हम थोड़ी देर में आ जाते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? मम्मा ने कहा बच्चे तो भाई मस्त खा पी के डांस पार्टी कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि शादी के कपड़े और शादी की चीज़ें आपको बहुत जल्दी मेरी वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। सो बाय।